हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उस कंपनी के बारे में डीपली स्टडी किया जाता है, उसके बारे में इसके बिजनेस को समझा जाता है, फंडामेंटल्स को एनालाइज किया जाता है और फिर मन बनाया जाता है कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और यदि है तो क्या राइट प्राइस होगा जिसमें हम लोगों को उस कंपनी में एंट्री लेना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑटो एंसिलरी की एक बहुत ही अच्छी और साउंड कंपनी है। कंपनी का नाम है फेम इंडस्ट्री। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, फेम इंडस्ट्री क्या है, ये ऑटो के बहुत सारे पार्ट्स बनाती है और अब धीरे धीरे ये ऑटो से डाइवर्सिफाई होके और भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बना रही है जो रेलवेज में और बसेस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके बिजनेस को हम डिटेल में समझेंगे, बट उसके पहले इसके नंबर्स को एनालाइज करते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अभी जो है 2070 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करेंटली 1582 रुपया पे कंपनी ट्रेड कर रही है। ऊपर 1844 रुपया तक इनका 52 वीक हाई गया था और नीचे 800 रुपया तक का लो कंपनी 52 वीक में बना चुकी है। करेंटली अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो 18.4 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है। बुक वैल्यू 488 का है, तो प्राइस टू बुक अगर देखते हैं तो 3.24 का प्राइस टू बुक है, जो कि बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा ये बहुत माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन जिसको बोलते हैं ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इट इज फेयरली वैल्यूड जब प्राइस टू बुक का बात करते हैं। मार्केट कैप टू सेल्स का बात करें तो मार्केट कैप टू सेल्स इज 1.19 टाइम्स, तो ये वैल्यूएशन थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है। सेल्स का बात करें तो 1772 करोड़ का सेल्स इन्होंने पिछले साल किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12.5% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। रिटर्न्स का बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20.6%, वेयर एज रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15.5%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपैरेटिवली लो है कंपेयर टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी हो सकता है कंपनी में कुछ डेट है जिसके वजह से ऐसे नंबर्स है, वो हम लोग देखेंगे, बट दोनों ही पैरामीटर में साउंड है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ऊपर है ये भी अच्छी बात है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.6% है ये भी अच्छा नंबर है। तो नंबर्स आर क्वाइट गुड और कंपनी के नंबर्स ठीक है। वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखता है अगर हम प्राइस टू बुक के कंसिडर करें, पर अगर प्राइस टू अर्निंग्स देखें तो उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिखता है। कैश देखें, अगर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना होता है तो 73 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी ने जनरेट किया है। दिस इज गुड। कोई भी कंपनी, मुझे मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखता है वो है कैश फ्लो। अगर कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है तो दैट इज समथिंग व्हिच मेक्स द कंपनी स्ट्रांग फंडामेंटली। पेग रेशियो का बात करें तो 1 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो पेग रेशियो वाइज भी वैल्यूएशन ठीक है, कोई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 66.6%। ईवी बाई ईबिटा इज 9.21 विच इज ऑल्सो गुड। कैश बुक्स में 68 करोड़ का कैश पड़ा है। डेट कितना है इनके बुक्स में, 45 करोड़ का डेट है। तो 45 करोड़ का डेट है, उसके अगेंस्ट में अगर 68 करोड़ का कैश है तो नेट डेट फ्री कंपनी हो गई। तो मैंने यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी को देख के बोला था कि शायद डेट हो सकता है, तो डेट वैसा कोई ज्यादा नहीं है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 45 करोड़ का डेट, उसके अगेंस्ट में 68 करोड़ का कैश, यानी नेट डेट फ्री हो गई कंपनी। अब आते हैं इसके चार्ट को देखते हैं। तो चार्ट में अगर हम देखेंगे तो काफी ये कंसोलिडेट किया था, फिर 50 और 200 डीएमए को क्रॉस किया तो बहुत अच्छा हाई बनाया था, फिर रिसेंटली थोड़ा सा करेक्शन आया था स्टॉक में सितंबर के एंड के आसपास, फिर दोबारा से ये 50 डीएमए के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, तो धीरे धीरे दोबारा से ये बुलिश जोन में जाने का कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चार्ट देख के लगता है कि कंपनी काफी स्ट्रांग है। यहाँ जितना कंसोलिडेट करना था 900, अप्रैल मई जून ये 2-3 महीना कंपनी में टाइम वाइज कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो चुका है, और अब यहां पर ये अगर 50 डीएमए के ऊपर रेगुलरली ट्रेड करता है तो एक बुलिश जोन में चल जाएगा। कंपनी के अगर प्रॉस का बात करें तो रिड्यूस किया है अपने डेट को, ऑलमोस्ट डेट फ्री बन चुकी है जैसा मैंने बताया। गुड प्रॉफिट ग्रोथ 18% के कैगर से ग्रो किया है पिछले 5 साल में, और हेल्दी डिविडेंड पे आउट है, तो डिविडेंड दे रही है कंपनी, विच अगेन शोज दैट कंपनी एक जेन्युइन कंपनी है, डिविडेंड देती है, फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, तो ये सारा एक पॉजिटिव साइन माना जाता है कंपनी के लिए। द कंपनी हैज डिलीवर्ड सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा कम रहा है 9.15%, लो रिटर्न ऑन इक्विटी 13.2% का रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने किया है। जैसा मैंने भी चेक करके जब देखा था तो बताया था कि रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा डाउन है। अब आते हैं पीयर वाइज इसका कंपैरिजन करते हैं कि कैसे क्या है।
तो अगर हम फेम इंडस्ट्री का बात करें तो 18.4 के पी पे ट्रेड करेगी। उसके अगेंस्ट अगर हम बॉश का बात करें, देखो बॉश से कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, बॉश एक कंप्लीट अलग पेडिग्री की कंपनी है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज ये लोग सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, देखते हैं कि जो कंपनी बॉश की पेडिग्री की है उसको क्या वैल्यूएशन मिलता है। तो 36 के आसपास का वैल्यूएशन बॉश को मिलता है, मदरसन सुमी को 58 का वैल्यूएशन, ऊनो मिंडा को 65 का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट, मदरसन वायरिंग को 60 का वैल्यूएशन, जेड एफ कमर्शियल को तो 108 का, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी को 40.34, एक्साइड को 18 का। तो एक्साइड तो मेनली बैटरी में है, तो ऑटो एंसिलरी ठीक है बट इट इज मेनली इनटू बैटरी। तो अब ये सारे कंपनी के साथ अगर कंपेयर करें फीएम को, तो क्योंकि ये छोटी कंपनी है इसको इतना हाई प्रीमियम वैल्यूएशन तो अभी नहीं मिल रहा है, बट अगर पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है आगे चल के तो इसमें अच्छा खासा और शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकता है। इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पी 23.36 का इंडस्ट्री पी है, तो उसके मुकाबले भी काफी अच्छा ही है वैल्यूएशन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो पूरे ग्रुप में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मामले में इससे अच्छा सिर्फ मदरसन वायरिंग है और कोई नहीं। तो बाकी जिन लोगों को बहुत हाई वैल्यूएशन मिला हुआ है वो भी इनसे कम रिटर्न बना के दे रही है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी का भी बात करें तो पूरे ग्रुप में खाली एक साइड है जो अच्छा रिटर्न बना के दे रही है, मदरसन वायरिंग है जो अच्छा रिटर्न बना के दे रही है, बाकी सब कोई इससे कम रिटर्न बना के दे रहा है बट ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड कर रहा है। तो दिस इज अ बिट अनफेयर, ये थोड़ा सा अनफेयर है कि ये कमा के ज्यादा दे रहा है बट वैल्यूएशन बाकी लोगों को ज्यादा मिल रहा है, मेनली बिकॉज दे आर बिग कंपनीज, दे आर ऑलरेडी इन टू द मार्केट फ्रॉम मेनी ईयर्स, तो बहुत सालों से मार्केट में है, तो उस वजह से मार्केट इन लोगों को प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। ईवी बाई ईबिटा भी आप देखो तो सिर्फ 9.2 का ईवी बाई ईबिटा है, जबकि बाकी लोगों का यहाँ पर 23 का है, ये 10.5 का है, ये 29 का है, ये 36 का है, ये 55 का है, ये 19 का है। तो बाकी पूरे पीयर ग्रुप में आप देख सकते हो किसी भी पैरामीटर में हम जाए, चाहे पीई का वैल्यूएशन ले लें, चाहे रिटर्न अगर देखें तो रिटर्न सबसे अच्छा कमा के दे रहा है, ईवी बाई ईबिटा का बात करें तो वैल्यूएशन वहां भी काफी सस्ता है। तो ओवरऑल पूरे ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो वैल्यूएशन वाइज डिसेंट है कंपनी और रिटर्न्स भी अच्छा कमा के दे रही है। क्वार्टरली नंबर्स को देखते हैं, क्वार्टरली नंबर्स का अगर मैं बात करूं तो इनका रेवेन्यू जो जून में आया 445 करोड़ का रेवेन्यू है, मार्च में 490 करोड़ का था। तो अगर जून टू जून देखें तो ये तो लॉकडाउन पीरियड में, तो छोड़ दीजिए अब 2020 को, प्री कोविड का बात करते हैं तो 360 करोड़ का रिवेन्यू था प्री कोविड में, जो अभी बढ़ के 445 करोड़ हो गया। और जून 21 में भी थोड़ा सा फर्स्ट क्वार्टर डेल्टा वेरिएंट की वजह से दिक्कत में था, तो वहां भी 275 करोड़ का रिवेन्यू था। तो बेस्ट होगा हम कंपेयर करें प्री कोविड से, तो प्री कोविड के मुकाबले काफी अच्छा रिटर्न इन्होंने जनरेट किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो प्री कोविड में 11% था, तो नॉर्मली 11-12% का मार्जिन रहता है, अभी भी 13% का मार्जिन कंपनी ने किया है। इंटरेस्ट कंपनी का क्वार्टरली 5 करोड़ होता था, अभी इन्होंने इंटरेस्ट डेट काफी रिड्यूस किया है, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट जो ये 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करते हैं। टैक्स का बात करें तो 25-30% का रेगुलरली ये टैक्स पे करते हैं, तो किसी भी तरह का टैक्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ऑल इन ऑल इनका अगर मैं बात करूं तो जून में इन्होंने 22 रुपया का अर्निंग दिया था और मार्च में 25 रुपया 62 पैसा का अर्निंग दिया, तो कंपनी काफी अच्छा अर्निंग्स कमांड कर रही है। क्वार्टरली अर्निंग्स अगर ईपीएस कंपनी 22 रुपया 23 रुपया का ईपीएस जनरेट कर रही है, विच इज अ गुड साइन। और आगे चल के जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगा, ऑटोज का डिमांड बढ़ेगा, तो इनके प्रोडक्ट्स के डिमांड अगर बढ़ते हैं तो और बेटर हो सकता है अर्निंग्स आगे चल के। ईयर ऑन ईयर का बात करें तो मार्च 2021 में 1200 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, जो कि 22 में बढ़ के 1572 करोड़ हो गया, और सिर्फ ट्रेलिंग 12 मंथ्स का बात करें तो 1742 करोड़ का रेवेन्यू है। अर्निंग्स का बात करें, अगर इबिटा मार्जिन का बात करें, तो 11% का मार्जिन हर साल होता है, पर 22 में 12% का मार्जिन था, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का बात करें तो ये मार्जिन बढ़ के 13% हो गया है। अर्निंग्स का बात करें तो पिछले साल का अर्निंग 71 रुपया 55 पैसा था, उसके पहले तो 35 रुपया का अर्निंग था, लॉकडाउन की वजह से भी काफी हैम्पर हुआ था। प्री कोविड का बात करते हैं, प्री कोविड में इनका अर्निंग जो था साल का 56 रुपया 66 पैसा था, जो कि बढ़ के 71 रुपया हो गया, और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखें तो ऑलमोस्ट 86 हो गया, यानी दिन पे दिन नंबर्स इंप्रूव होते जा रहे हैं। दिस इज अ गुड साइन कि हर क्वार्टर वाइज जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो नंबर है इट इज इंप्रूविंग।
ग्रोथ का बात करते हैं, अगर सेल्स ग्रोथ का बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 22% का ग्रोथ है, बट अगर पिछले 3 साल या 5 साल का कैगर देखें तो वैसा कोई खास ग्रोथ नहीं है। अब क्यों ग्रोथ नहीं है, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि 2018, 19, 20 ये जो 2-3 साल बीता ना, ऑटो इंडस्ट्री के लिए सबसे खराब साल थे। 18, 19 हम लोग की इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन में थी, 20 में कोविड आ गया तो वैसे ही लॉकडाउन लग गया, तो इकोनॉमी जो इम्प्रूव हुआ है ना, एक्चुअली FY22 से इम्प्रूव होना चालू हुआ। तो FY22 से जैसे जैसे इकोनॉमी पटरी पे आया है, तो यहाँ देखिए इसमें इनको 22% का ग्रोथ मिला है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब इकोनॉमी डाउन में था, ऑटो सेक्टर खास करके बहुत स्लो डाउन से गुजर रहा था, तो इनके नंबर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, बट अभी जैसे ही ऑटो कंपनीज थोड़ा अच्छा करने लगी तो इनके नंबर्स भी इंप्रूव हो गए। प्रॉफिट का बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 31% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है। 5 साल में देखिए भले ही सेल्स में 9% का ग्रोथ आया हो, बट प्रॉफिट में 18% के कैगर से ग्रोथ आया है। 3 साल में 3% का भले ही सेल्स ग्रो हुआ हो, बट प्रॉफिट 19% के कैगर से ग्रो है। तो ये सारा साइन बताता है कि थिंग्स आर वेरी गुड। बैलेंस शीट का बात करते हैं तो बैलेंस शीट में देखें तो कैपिटल 13 करोड़ का इनका कैपिटल है, रिजर्व 629 करोड़ का है, बोरोइंग्स 46 करोड़ का बोरोइंग्स है इनके पास। तो बोरोइंग्स जैसे मैंने बताया 46 के अगेंस्ट में इनके पास अच्छा खासा कैश अक्यूमुलेटेड है। कैश कैश इनके पास 68 करोड़ का है, तो नेट डेट फ्री कंपनी है। इन्वेंट्री 185 करोड़ का है और डेटर्स 175 है। ये नंबर्स को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इन्वेंट्री तो ठीक है ज्यादा नहीं बढ़ा है, बट डेटर 80 करोड़ से बढ़ के एकदम से 175 करोड़ हो गया है, और एक बार में डेटर का इतना ज्यादा बढ़ जाना इज नॉट अ वेरी गुड साइन। तो दिस इज समथिंग जो हम लोग को थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, और आने वाले जो सितंबर का रिजल्ट आएगा उसमें जो कैश फ्लो आएगा या बैलेंस शीट आएगा, हाफ ईयरली बैलेंस शीट, उसमें इस चीज को हम लोग को नोट करना चाहिए कि डेटर का बैलेंस और तो नहीं बढ़ गया, क्योंकि डेटर का बैलेंस अचानक से इतना ज्यादा बढ़ जाना इज नॉट अ गुड साइन। कैश फ्लो का बात करते हैं तो 92 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश आया है, पर डेटर्स और रिसीवेबल्स देखते हैं, रिसीवेबल्स 91 करोड़ से रिसीवेबल्स बढ़ गया, यानी 90 करोड़ रुपया रिसीवेबल में फंस गया एक्स्ट्रा। इन्वेंट्री में 68 करोड़ रुपया फंस गया और पेबल्स में इन लोगों ने 89 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं रोक लिया। तो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल में पेमेंट और रिसीवेबल्स में थोड़ा सा दिक्कत नजर आ रहा है कंपनी में, कि इनको पेमेंट 90 दिन का 90 करोड़ रुपया रिसीवेबल्स में एक्स्ट्रा अटक गया, इन्वेंट्री में 68 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा अटक गया, और पेबल्स में इन लोगों ने 89 करोड़ रुपया अपने पार्टी का अटका के रखा है। तो अब जो सितंबर में कैश फ्लो आएगा उसमें हम लोग को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये नंबर्स इंप्रूव हो रहा है, यानी नंबर्स कम हो रहे हैं, या और भी ज्यादा इसमें दिक्कत आ रहा है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप देख ऑल टुगेदर 36 करोड़ रुपया अटक गया है, सॉरी 67 करोड़ रुपया अटक गया है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। फिर अगर मैं फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बात करूं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन लोगों ने फिक्स्ड एसेट में 19 करोड़ रुपया खर्चा किया है और कुछ इन्वेस्टमेंट 57 रुपीज का खरीद लिया, यानी कोई मेजर केपेक्स नहीं चल रहा है कंपनी में ऐसा कुछ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बात करूं तो इन लोगों ने रीपेमेंट किया है, डेट चुकाया है 30 करोड़ के आसपास का, डिविडेंड पे किया है 21 करोड़ रुपया, इंटरेस्ट पे किया है 7 करोड़ रुपया, तो दीज आर ऑल गुड। ये सब जो टाइमली पेमेंट कर रहे हैं ये सब बहुत अच्छे नंबर्स है, मतलब कि दे आर पेइंग देयर इंटायर ड्यूज ऑन टाइम। रेशियो का बात करें तो डेटर डेज जो 24 दिन हुआ करता था वो बढ़ के 41 दिन हो गया, तो ये जब डेटर डेज ऐसे बढ़ने लगे तो बहुत अच्छा साइन नहीं होता है, बट समझना पड़ेगा कि रीजन क्या है। कोविड के वजह से हो सकता है कि पेमेंट डिले हुआ या कुछ दिक्कतें आई, सेमी कंडक्टर चिप का दिक्कत आया था ऑटो इंसिलरी इंडस्ट्रीज में, तो वहां पे भी हो सकता है कि बाइक्स वाइक का बिक्री उतना नहीं हुआ या गाड़ियों का बिक्री नहीं हुआ तो पेमेंट अटक गया। देखना होगा, समझना पड़ेगा कि क्या था रीजन है। इन्वेंट्री डेज अगर हम देखें तो 55-56 दिन का हुआ करता था, वो बढ़ के 68 दिन हो गया। डेज पेबल का बात करें तो 83 डेज का हुआ करता था, बढ़ के 97 डेज हो गया। तो डेज पेबल इनका बढ़ गया है, डेज रिसीवेबल भी बढ़ गया है, तो ऑल टुगेदर कैश कन्वर्सन साइकिल का बात करें तो 12 दिन का कैश कन्वर्सन साइकिल या वर्किंग कैपिटल डेज रह गया। वो इसलिए क्योंकि ये लोग पेमेंट डिले कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज अगर पेमेंट को एक बार इग्नोर करें तो यहाँ पर इन्वेंट्री डेज भी बढ़ गया है और डेटर डेज बढ़ गया, विच इज नॉट वेरी गुड। शेयर होल्डिंग पे आते हैं तो प्रमोटर के पास 66.56% होल्डिंग है, जो कि शुरू से ऑलमोस्ट सेप्टेम्बर 19 से ऐसा चला आ रहा है, तो ना प्रमोटर ने कुछ नया बेचा है ना खरीदा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होल्डिंग जो 10.5% हुआ करता था वो घट के एकदम से 4% हो गया है, तो ये एक नेगेटिव साइन है।
एक ही क्वार्टर में 10.5 से घट के एकदम 4% हो गया, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना 6% होल्डिंग रिड्यूस किया। ठीक है, अब देखते हैं ये पूरा किसके पास गया। अगर बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स का, तो इनके ये लोग धीरे धीरे अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, 0.19, 0.21, 0.98। तो म्यूचुअल फंड वाले लोग जब भी शेयर का दाम गिर रहा है उसको धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा जिसको एक बार में बेचना था, मे भी बेच के निकल गया, 6% होल्डिंग बेच दिया, और यही कारण है कि स्टॉक में करेक्शन देखने मिला था, और फिर 2-3 महीना कंसोलिडेशन से गुजरा, और अब धीरे 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 म्यूचुअल फंड अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है। पब्लिक के पास क्या हुआ, वो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने जो बेचा था, पूरा का पूरा होल्डिंग पब्लिक के हाथ में वो 6% आ गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि किस तरह से स्टॉक होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है कंपनी में, कंपनी के नंबर्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, कंपनी का मार्जिन दिन पे दिन कैसे इंप्रूव हो रहा है, और आगे क्या होगा अगर इनके रॉ मटेरियल का दाम और कम होता है जिससे ये लोग रॉ मटेरियल बनाते हैं, तो और भी इनका मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। वो सारा कुछ हम लोग को बिजनेस को जब समझेंगे तब समझ में आएगा। तो चलिए अब इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि कंपनी क्या बिजनेस करती है और उसमें कितना बड़ा प्रोस्पेक्ट है। बट इससे पहले कि हम लोग बिजनेस को एनालाइज करें, अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। हम और भी अलग अलग कंपनीज पे इसी तरह से डीप डाइव एनालिसिस करेंगे, कंपनी के बारे में फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिएगा, वहां पर ऑल का ऑप्शन आता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें ना आपको इमिडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आएंगे, पूरा देख लीजिए पहले, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और नहीं भी पसंद आए तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको क्या नहीं पसंद आया, आप और क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, क्या पॉइंट्स और चाहते हैं कि हम इसमें एड ऑन करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके और भी दोस्त लोग हैं, फैमिली है, जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप उनके साथ भी हमारे वीडियोज को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस तरह के नॉलेजेबल कॉन्टेंट मिलते रहे। थैंक यू सो मच, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बिजनेस को समझते हैं। तो कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। फियाम इंडस्ट्री लिमिटेड वाज फाउंडेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन 1989 बाय मिस्टर जेके जैन। तो मिस्टर जेके जैन ने 1989 में ये कंपनी स्टार्ट की थी, और 2006 में जाके ये बीएससी और एनएससी में इसको लिस्ट किया था। फियाम इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑटोमोटिव लाइटिंग एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट। तो क्या क्या प्रोडक्ट है इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ऑटोमोटिव लाइटिंग यानी ऑटो, चाहे वो गाड़ी हो, फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, उसमें जो लाइट्स लगाए जाते हैं ना, उसका दे आर वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स। सिग्नलिंग इक्विपमेंट यानी जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं या रेलवे में जो सिग्नल्स होते हैं उसके इक्विपमेंट बनाते हैं लोग। तीसरा, रियर व्यू मिरर्स। रियर व्यू मिरर्स क्या होता है, बाइक के सामने जो कांच लगा रहता है हैंडल के आसपास, उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। तो दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट। फियाम इज अमंग द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया इंट्रोड्यूसिंग एलईडी लाइट्स इन टू व्हीलर्स। और फिएट जो है, सॉरी, फियाम इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में पहली कंपनी, अमंग द फर्स्ट कंपनी है इंडिया में जिसने टू व्हीलर में पहली बार एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल हुआ था, या एलईडी लाइट्स बना के इन लोगों ने टू व्हीलर्स में यूज करवाया था। तो इनका मेन मेन प्रोडक्ट क्या है, ऑटो के लाइटिंग यानी गाड़ी, चाहे आप चार चक्का बोल लीजिए, चाहे आप दो चक्का बोल लीजिए, उसका जो भी लाइट्स होता है ना, हेडलाइट्स और ये सब जो होता है वो बनाने का काम करती है। ट्रैफिक सिग्नल्स में जो भी रेड और ग्रीन लाइट ये सब हम लोग देखते हैं वो बनाती है, रियर व्यू मिरर्स बनाते हैं, और दे आर द फर्स्ट कंपनी जिसने एलईडी इंट्रोड्यूस किया था। पीएम हैज डाइवर्सिफाइड इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाय एंटरिंग इनटू एलईडी ल्यूमिनरीज फॉर इंडोर एंड आउटडोर एप्लीकेशंस। तो इन्होंने अब अपने बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी किया है। कैसे किया है, ती प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तीन जो था वो तो हम लोग को समझ में आ गया, अब इन लोग डाइवर्सिफाई क्या कर रहे हैं, ये लोग इंटर किए हैं एलईडी ल्यूमिनरीज बनाने में, जो कि इंडोर एंड आउटडोर एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं, एंड इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज होते हैं रेलवेज और बसेस। अगर आप फोटो देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अंदर में इस तरह का जो लाइट है, ये जो साइड में लाइट है, ये सब बनाने का काम करते हैं। फिर बस के ऊपर, ट्रेन के ऊपर इस तरह का, यहाँ दिख तो नहीं रहा है, बट जैसे ट्रेन्स और बसेस में ये जो लाइट्स लगते हैं वो तो है,
और साथ साथ जो बस और ट्रेन के ऊपर आप बस में देखोगे, इलेक्ट्रिक बस या कोई भी बस के ऊपर ऐसे ऊपर में लाइट का सिस्टम होता है जहां पर कुछ लिखा हुआ आता है, या ट्रेन का जो ट्रेन का टेबल्स होता है ना, जो जहां पर ट्रेन के टाइमिंग्स लिखे होते हैं, जब आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो वहां पर जो लाइटिंग होता है, सिग्नलिंग होता है, वो सब भी ये लोग बनाने का काम करते हैं। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि ये लोग क्या डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने को। प्रोडक्ट्स का अगर मैं बात करूं तो ऑटोमोटिव लाइटनिंग में अगर बात करूं तो हेडलैम्प्स ये लोग बनाते हैं, टेल लैम्प्स ये लोग बनाते हैं, ब्लिंकर लैम्प्स ये लोग बनाते हैं, फॉग लैम्प्स भी बनाते हैं। तो लाइटिंग में चार मेन प्रकार के लैम्प्स बनाते हैं, हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, ब्लिंकर लैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स। रियर व्यू मिरर्स बनाते हैं, शीट मेटल पार्ट्स बनाते हैं, प्लास्टिक मोल्ड्स बनाते हैं। प्रोडक्ट्स अगर टेक्निकल लेवल पे बात करें कि टेक्निकल कोलैबोरेशन वाइज अगर बात करें तो ये लोग कैनिस्टर बनाते हैं और बैंक लीन एंगल सेक्टर बनाते हैं। ये कैनिस्टर और बैंक लीन एंगल क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। जॉइंट वेंचर के थ्रू ये लोग मोल्ड्स बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं और जिग फिक्स्चर्स बनाते हैं। एलईडी सेगमेंट का बात करें तो ये लोग एलईडी ल्यूमिनरीज बनाते हैं फॉर इंडोर एंड आउटडोर एप्लीकेशंस, एंड इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं जहां पर एलईडी डिस्प्लेज होता है। आप बस के ऊपर देखोगे एलईडी डिस्प्लेज है, आप एयरपोर्ट्स में भी दिखता है, रेलवे स्टेशन में भी दिखता है एलईडी डिस्प्लेज, तो वो सारा ये लोग बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा रेलवे स्टेशन डेवलप होगा, अभी वंदे भारत एक्सप्रेस आ रहा है तो वहां पर ट्रेन्स के अंदर एलईडी का जितना सप्लाई होगा तो दे कैन बी अ बिग प्लेस, क्योंकि जितना ट्रेन्स और ये सब को एडवांस किए जाएंगे, इलेक्ट्रिक बसेस आएगा, इलेक्ट्रिक बसेस में तो एलईडी सिस्टम पहले से ही लगा रहता है, तो वहां पर ये सब चीज का डिमांड आने वाले समय में काफी बढ़ने वाला है। अगर इनके क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स आप देख सकते हो, अगर टू व्हीलर में बात करें तो होंडा, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, आइशर मोटर, रॉयल इनफील्ड, हार्ली डेविडसन, महिंद्रा। फोर व्हीलर का बात करें तो टाटा, मार्को पोलो, फोर्स मोटर्स, होंडा सील, हुंडई, डेलमर, महिंद्रा रिवा, ये सब इनके क्लाइंट्स। फिर आप देख सकते हो इंडियन रेलवे लॉन्चिंग ट्रेन, इंडियन रेलवे जो नए नए ट्रेन लॉन्च कर रही है वहां लाइटिंग का काफी डिमांड है, ठीक है। फिर ये फ्लीट ब्रांड्स, यहाँ पर जो है लाइट का डिमांड है, लाइटिंग सॉल्यूशंस जो रेलवे मार्केट्स में कहाँ कहाँ लाइट्स यूज होता है, फिर मुंबई टू गोवा रूट में भी जो ट्रेन चलते हैं, तो ये सब देख सकते हो कहाँ कहाँ पर कितना लाइटिंग का इस्तेमाल हो रहा है जो ये लोग आगे चल के सप्लाई कर सकते हैं। अब कंपनी का अगर ओवर द पीरियड अगर हम जर्नी देखें कंपनी का, तो कैसा रहा है 1989 से 1984 तक कंपनी ने क्या किया है। इनकॉर्पोरेट हुआ था 1989 में, 92 में नेम चेंज हुआ और नाम बदल के फीएम इंडस्ट्री कर दिया गया, 93 में दे कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड, 1994 में न्यू स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट इन्होंने स्टैब्लिश किया सोनेपत में, फिर 96 से 2006 में क्या हुआ, 96 में फीएम संग सैंग इंडिया एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाया गया, ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश किया गया, 98 में मल्टी फोकल रिफ्लेक्टर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया फीएम ने, 2004-2005 में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होजूर में आया यूनिट 2 और यूनिट 3, और मैसूर में आया यूनिट 4। यूनिट 1 सोनेपत में आ चुका था, यूनिट 2 और 3 होसुर में आया और 4 मैसूर में आया। 2005-2006 में देव सेटअप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट 5 इन होजूर एंड यूनिट 6 इन नालागढ़। 2006 में आईपीओ लेके आई कंपनी, 2007 में इन्होंने मर्ज कर दिया फियाम संग सेन को फियाम इंडस्ट्रीज के साथ, 2007 में एलईडी एसएमटी प्लांट इन्होंने सेटअप किया, 2010 में स्टार्टेड न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन राय सोनेपत, तो राय सोनेपत में एक और यूनिट 7 इन्होंने स्टार्ट किया, 2011 में यूनिट 8 आया तापुकरा में, 2011 में फियाम आरएनडी सेंटर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2012 में स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव लाइटिंग एंड कंपोनेंट्स फॉर होंडा जापान, 15 से 17 में क्या हुआ, 2015 में दे स्टार्टेड रिसीविंग टेंडर्स दो फॉर ईईएसएल एंड एलईडी बल्ब्स, 2016 में यूनिट 9 अहमदाबाद में इन्होंने स्टार्ट किया, 2016 में एनएबीएल एक्रीडिशन रिसीव किया फोटोमेट्री लेबोरेटरी में, 2017 में दे सेटअप प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैनिस्टर एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन विद एशियन इंडस्ट्री लिमिटेड जापान, 2017 में 50-50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाया इन्होंने इन हांगकॉन्ग विद क्योवोका कंपनी लिमिटेड जापान फॉर हाई क्लास मोल्ड्स, तो जो हाई क्लास मोल्ड्स ये लोग बनाते हैं वो जापान के साथ, जापान की किसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर इनका किया हुआ है। 2018 से 2020 में ज्वाइंट वेंचर विद एशियन इंडस्ट्री कंपनी एंड टोयोटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर फ्यूल पंप, तो फ्यूल पंप बनाने के लिए एक और ज्वाइंट वेंचर इन्होंने किया। 2018 में टेक्निकल असिस्टेंस अग्रीमेंट किया टोयो डेंसो के साथ, 2019 में दे हैव सेट अप अ न्यू डिजाइन सेंटर इन टूरिन,
जो कि इटली में है अंडर न्यूली फॉर्म सब्सिडियरी। तो ओवर द पीरियड इनका किस तरह से कंपनी का ग्रो हुआ है, कंपनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये हम लोग देख सकते हैं और ये जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो इसको इग्नोर कर देते हैं, पर इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है ताकि आप एनालाइज कर सके कि ओवर द पीरियड कंपनी ने, आज कंपनी जहां खड़ी है वो पहले ऐसे नहीं थी। पहले जब स्टार्ट हुआ था तो कंपनी इस लेवल पे नहीं थी, वो ग्राउंड लेवल से धीरे धीरे उठ के आज यहाँ पहुंची है। तो हमें समझना चाहिए कि मैनेजमेंट ने क्या क्या स्टेप कब कब कैसे लिया, तब कंपनी आज ग्रो करके यहाँ पर आ पाए। तो उससे एक मैनेजमेंट के ब्रेन तक हम पहुंच पाते हैं कि मैनेजमेंट कैसा डिसीजन लेती है, कैसे अपने आप को ग्रो करती है, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करती है। तो ये सारा चीज हम लोग को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मिलता है और उसमें ये जर्नी बहुत काम आता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ओवर द पीरियड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा रहा है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इसमें मेरे को ज्यादा कुछ बताने का नहीं। अब प्रोडक्ट प्रोफाइल में आते हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग कि सबसे पहला जो है कंपनी का ऑटोमोटिव लाइट्स। तो ऑटोमोटिव लाइट्स का अगर मैं बात करूं तो इससे जो रेवेन्यू आ रहा है ये मिलियंस में दिया हुआ है। तो 2017 में 645 करोड़ का रेवेन्यू इससे आता था, जो बढ़ते बढ़ते आज 1048 करोड़ रुपया ऑटोमोटिव लाइट से आने लगा। अगर आप इसमें देखोगे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, तो आप देख सकते हो हेड एंड रियर लाइट्स ये लोग सप्लाई करते हैं डिफरेंट वेराइटीज के। और कौन कौन से टॉप क्लाइंट्स हैं इसमें, होंडा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, आइशर मोटर, हार्ले डेविडसन, फोर्स, वॉल्वो, टाटा, वॉल्सवेगन, होंडा। तो नेम एनी गुड कंपनी एंड देयर देयर क्लाइंट्स। ठीक है, फियम इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड नेम्स इन ऑटोमोटिव लाइटनिंग एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट विद हिस्ट्री ऑफ अराउंड 4 डिकेड्स। तो 40 साल से वो लोग इसी प्रोडक्ट में है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा एक्सपर्टाइज हो गया होगा इनको इस प्रोडक्ट का। द कंपनी इज एसोसिएटेड विद सम द मोस्ट प्रेस्टिजियस ओईएम कस्टमर्स इन इंडिया। तो कंपनी कुछ ओईएम कस्टमर्स के साथ काफी सालों से रिलेशनशिप में है, जहां पर ये लोग सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ऑटोमोटिव लाइटनिंग इन ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेगमेंट द कंपनी मेक्स वेरियस टाइप ऑफ हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, ब्लिंकर लैम्प्स, फॉग लैम्प्स, वार्निंग ट्राइंगल्स, इंटीरियर लैम्प्स, बिकॉन लाइटिंग, ये सब कुछ सप्लाई करते हैं। इंडिया फर्स्ट एनएबीएल एक्रीडेड लैब फॉर टेस्टिंग ऑफ ऑटोमोटिव लाइटिंग। मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर ऑटोमोटिव लाइटनिंग कहाँ कहाँ पर है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5, यूनिट 6, 7, 8, 9, ये सारे यूनिट्स में, यानी 3 और 4 को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे यूनिट में ऑटोमोटिव लाइट्स ये लोग बनाते हैं। अब आते हैं रियर व्यू मिरर, जो इनका सेकंड प्रोडक्ट है। तो रियर व्यू मिरर में क्या है, फेम हैज स्टार्टेड 6 स्टेट ऑफ आर्ट मिरर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन डिफरेंट यूनिट्स हैविंग ऑल द प्रोसेस इन हाउस। तो रियर व्यू बनाने के लिए जो इंटायर प्रोसेस होता है ना, वो इनका इन हाउस है, यानी इनको कुछ भी बाजार से नहीं खरीदना पड़ता है। तो इसका अगर मैं बात करूं तो मिरर प्लेट, मिरर के लिए जो प्लेट्स होता है वो खुद ये लोग बनाते हैं। प्लास्टिक हाउसिंग मिरर को बॉर्डर देने के लिए, जो यहाँ पर देख सकते हैं मिरर को बॉर्डर देने के लिए जो प्लास्टिक्स का रिक्वायरमेंट होता है वो भी ये लोग खुद बनाते हैं। रॉड, जो यहाँ पर रॉड आप देख सकते हैं, ये जो रॉड है ये रॉड भी ये लोग खुद अपने घर में ही बनाते हैं। फिर फाइनल असेंबली, तो ये जो प्लास्टिक है, रॉड है, मिरर है, इस सबको असेंबल करके एक यूनिट बनाना, वो भी ये लोग खुद अपने ही फैक्ट्री में करते हैं। तो इसके लिए इनके पास यूनिट 2 है, यूनिट 5 है और यूनिट 8 है। तो ये 3 यूनिट है जहां पर वो लोग ये रियर व्यू मिरर मिरर बनाने का काम करते हैं। अब आता है इससे रिवेन्यू कितना आता है। तो आप देख सकते हैं कि 2017 में 144 करोड़ रिवेन्यू रियर व्यू मिरर से आता था, और उसके बाद कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ कंपनी में नहीं हुआ, बट FY22 में देर इज अ गुड ग्रोथ और ये बढ़ के 175 करोड़ हुआ। तो ठीक ठाक यहाँ पर ग्रोथ हम लोग को नजर आ रहा है। तीसरा इनका अगर मैं प्रोडक्ट का बात करूं तो प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स ये लोग बनाते हैं। तो प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स आप देख सकते हो, ये जो है ये सारे प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स है जो ये लोग खुद ही अपने घर में बनाते हैं। और होंडा, टीवीएस और सुजुकी, ये 3 इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स है जिसके लिए ये लोग प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स बनाते हैं। प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑटोमोटिव लाइटिंग। तो लाइटिंग को सपोर्ट देने के लिए प्लास्टिक का कवरिंग जरूरी है, तो ऑटोमोटिव लाइटिंग के लिए दे आर इंटीग्रल पार्ट, एज वेल एज रियर व्यू मिरर में भी इन प्लास्टिक का जरूरत होता है। एज दिस पार्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक फाइनल असेंबली ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, यानी जो भी प्रोडक्ट आप बनाओ फाइनली उसको असेंबलिंग करते समय ये प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स का आपको जरूरत पड़ेगा। फेम हैज इंस्टॉल्ड वर्ल्ड क्लास मोर देन 450 लेटेस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स। तो
450 लेटेस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है अपने 6 अलग-अलग प्लांट्स में, रेंजिंग फ्रॉम 50 टन्स टू 1400 टन्स, केपेबल ऑफ मेकिंग पार्ट्स जो कि 20 ग्राम से 2.5 किलो तक का पार्ट्स ये लोग बना सकते हैं। यानी प्लास्टिक मोल्डिंग पार्ट जो है 20 ग्राम का भी बना सकते हैं, 2.5 किलो का भी बना सकते हैं। उसके लिए इनके पास 450 लेटेस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मतलब वो मशीन जो कि प्लास्टिक को अकॉर्डिंग शेप में मोल्ड करता है। अपार्ट फ्रॉम अबव, फीएम ऑल्सो सप्लाइज स्टैंड अलोन प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स टू इट्स कस्टमर्स। तो अपने कस्टमर को खाली प्लास्टिक मोल्डिंग पार्ट्स भी ये लोग सप्लाई करते हैं। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि हमको पूरा लाइटिंग नहीं चाहिए, मेरे को खाली प्लास्टिक का पार्ट्स आप दे दीजिए, तो वो प्लास्टिक का पार्ट्स भी सप्लाई करते हैं। द अबव मेंशन मोल्डिंग मशीन्स कैन इजीली मेक इवन बिग प्रोडक्ट्स फॉर टू व्हीलर्स लाइक फेंडर फ्लोर पैनल साइड कवर रियर फेंडर हैंडल बियर सीट बेस। तो बोल रहे हैं कि जैसा प्लास्टिक मोल्डिंग का इंजेक्शन का इनके पास कैपेबिलिटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर ये लोग चाहें तो प्लास्टिक का जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं जो टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स में लगते हैं, जैसे स्पेशली टू व्हीलर्स में, तो ये लोग फेंडर बना सकते हैं, फ्लोर पैनल बना सकते हैं, साइड कवर बना सकते हैं, रियर फेंडर बना सकते हैं, ये सारा कुछ ये लोग बना सकते हैं। फिलहाल में भी ये लोग अभी बना नहीं रहे। रिवेन्यू का बात करें तो 2017 में 120 करोड़ रिवेन्यू प्लास्टिक मोल्डिंग पार्ट से आता था, जो अभी बढ़ के 155 करोड़ रुपया हो गया। तो यहाँ भी थोड़ा सा अप डाउन चलता है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री। तो ऑटो इंडस्ट्री ऐसा ही चला है पिछले 3-4 सालों में, देखे तो ऑटो 2019, 2020, 2021 थोड़ा सा खराब था, अब 22 में जाके ऑटो सेक्टर थोड़ा सा रिवाइव करना चालू हुआ। उसके अलावा छोटे मोटे पार्ट्स ये लोग क्या क्या बनाते हैं, शीट मेटल पार्ट्स बनाते हैं, जो मेटल जैसे आयरन, जैसे मैंने बताया ये लोग रियर व्यू मिरर बनाते हैं। तो रियर व्यू मिरर अगर ये है तो इसको तो सपोर्ट देने के लिए एक मेटल का बाउंड्री चाहिए ना, जहां पर इस मिरर को अटैच कर सके। तो ये शीट मेटल पार्ट्स हो गया, बैंक एंगल सेंसर हो गया, कैनिस्टर हो गया, ये सारा कुछ ये लोग बनाते हैं। और इससे रिवेन्यू कितना आता है, जो 42 करोड़ रुपए आया करता था 2017 में, इसमें ओवर द पीरियड रेगुलर ग्रोथ नजर आया है और ये बढ़ के ऑलमोस्ट आज अच्छा खासा 140 करोड़ और यहाँ पर 3170 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू यहाँ से आने लगा। तो इस साल जो अदर सेगमेंट है इसमें काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो इसमें लोग क्या क्या बनाते हैं, रोलिंग सॉरी मोर देन 50 प्रेसेस लाइक हाइड्रोलिक एंड डबल एक्शन डीप ड्रॉ सिंगल एक्शन प्रेस एक्सेट्रा। तो ये बता रहे हैं इनके पास ये सारा फैसिलिटीज है जिसके थ्रू ये लोग ये मोल्डेड पार्ट्स और एंगल्स ये सब बनाते हैं। और इनके टॉप क्लाइंट्स कौन कौन से, टीवीएस है, होंडा है, आइशर मोटर है और महिंद्रा रेवा है। अब आते हैं कि कैनिस्टर और बैंक एंगल होता क्या है। कैनिस्टर क्या होता है, द कार्बन कैनिस्टर इज एन ऑटोमोटिव कंपोनेंट, ये ऑटोमोटिव का एक कंपोनेंट है ऑफ इवापोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम दैट इज अटैच्ड टू द फ्यूल टैंक। यानी फ्यूल टैंक के साथ इसको ऐसे अटैच कर दिया जाता है और इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड टू कैप्चर एंड स्टोर द फ्यूल वेपर एमिशन फ्रॉम द फ्यूल टैंक। यानी फ्यूल टैंक से जो फ्यूल वेपर निकलता है उसको कैप्चर करके स्टोर करने का काम ये कैनिस्टर व्हीकल करता है। अब आता है बैंक एंगल सेंसर क्या होता है, तो फीचर्ड स्निपेट फ्रॉम द वेब द बैंक एंगल सेंसर इज अ व्हीकल सेंसर, या व्हीकल में एक सेंसर लगा होता है जो डिटेक्ट करता है कि गाड़ी कितने एंगल तक टिल्ट हो चुका है और मैक्सिमम कितना एंगल तक टिल्ट हो सकता है। ठीक है, एंगल एट विच द व्हीकल पर्टिकुलरली द मोटर बाइक और द मोटरसाइकिल लीन्स एज फ्रॉम द फ्रंट द एंगल डिटरमाइंस द मैक्सिमम टिल्ट ऑफ मोटरसाइकिल हैव सेफली विदाउट टिपिंग ओवर। यानी जब बाइक को आप देखोगे, रेसर्स लोग जब टर्न लेता है तो एकदम बाइक को ऐसे करके घुमाता है, एकदम बाइक ऐसे रहता है जमीन में सट गया। तो ये जो बैंक एंगल सेंसर है ये बताता है कि बाइक ज्यादा से ज्यादा कितना टिल्ट ले सकता है कि उलट नहीं जाए, और जैसे ही बाइक एक लेवल से ज्यादा टिल्ट लेता है ये सेंसर बता देता है ड्राइवर को कि दैट इज डेंजरस, अगर आप इससे ज्यादा टिल्ट करेंगे तो हो सकता है बाइक पूरा गिर जाए नीचे। ठीक है, तो ये बता देता है, तो ये सेंसर इस काम में मदद करता है। फिर नया ये लोग एलईडी डिस्प्ले सिस्टम, जो मैं उस समय दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से बस में ये एलईडी सिस्टम लगाया जाता है, ट्रेन्स में लगाया जाता है, स्टेशंस में लगाया, तो स्टेशंस में आप देखो इस तरह से एलईडी सिस्टम लगाया जाता है, बस के ऊपर इस तरह से एलईडी सिस्टम लगाया जाता है जहां पर इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना वो भी ये लोग बना रहे हैं। तो ये अपने प्रोडक्ट को जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ना, तो अब क्या है ये लोग सिर्फ बाइक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। पहले क्या था, इनका ज्यादातर बिजनेस जो ऑटोमोटिव पार्ट्स था,
या रियर व्यू मिरर था वो बाइक्स में या फोर व्हीलर्स में ही इस्तेमाल होता था, तो दे वे टोटली डिपेंडेंट अपॉन टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स। पर अब जो एलईडी डिस्प्ले में ये लोग जा रहे हैं डाइवर्सिफाई करके, तो अब क्या रेलवे को भी ये लोग केटर कर सकेंगे, बसेस को भी केटर कर सकेंगे, तो ये लोग अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं, ये लोग अपने कस्टमर को और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपने कस्टमर के को एक्सपैंड कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। कि क्या होगा, इनको अब सिर्फ टू व्हीलर या फोर व्हीलर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ये लोग रेलवेज और बसेस में भी अपना सामान सप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम एलईडी इज इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन। पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड इज रेलिवेंट लोकेशंस अलोंग द बस रूट। तो ये तो देखिए मुझे नहीं समझाना, आप समझ गए कि ये सब किस काम में आता है, तो समझ में आ गया कि एलईडी डिस्प्ले सिस्टम कहाँ कहाँ काम आता है। अब बात करते हैं इनके कस्टमर प्रोफाइल का। तो कस्टमर का अगर मैं बात करूं, FY22 का ही बात करते हैं, तो होंडा जो सॉरी टीवीएस मोटर जो है, होंडा जैसे होंडा जो टोटल रेवेन्यू आता है इनका, 28.35% रेवेन्यू होंडा से आता है, ठीक है। फिर 24.07% इनका टीवीएस मोटर से आता है। फिर यामाहा से 18.5% आता है, सुजुकी मोटरसाइकिल से 8.25%, रिप्लेसमेंट मार्केट से 6% 6.3%, आइशर रॉयल इनफील्ड से 3% एंड अदर कस्टमर से 11.2% आता है। जबकि पहले इंडिया पिछले साल का अगर मैं बात करूं तो हीरो मोटरसाइकिल से 35% रेवेन्यू इनका हीरो मोटरसाइकिल से था, जो कि इस बार थोड़ा सा घट के 28% हो गया। 24% टीवीएस मोटर से है, जबकि पिछले साल ये 26% था। तो इन्होंने मार्केट बढ़ा कहाँ पर है, इंडियन यामाहा में, जो पहले 12.69% था वो बढ़ के 18% हो गया। तो इंडियन यामाहा का पोर्शन बिजनेस में बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कौन सा टॉप थ्री क्लाइंट्स का अगर मैं बात करूं कौन कौन सा है, होंडा मोटरसाइकिल, टीवीएस मोटर और यामाहा, ये तीन इनके टॉप मेन क्लाइंट्स, चौथा है सुजुकी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देख सकते हो ओवर द इयर्स, 1004 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज ये 1557 करोड़ का टॉप लाइन होने लगा कंपनी में। सेगमेंट का बात करें तो ऑटो सेगमेंट से आज भी 99% बिजनेस आता है, और एलईडी ल्यूमिनरीज और ये सब जो है इससे खाली अभी 0.5% आता है, पर आने वाले समय में उम्मीद है कि इससे और बेटर रिवेन्यू आने लगेगा। रिवेन्यू ब्रेकअप का अगर मैं बात करूं सेगमेंट वाइज, तो लाइटिंग सेगमेंट से इनका 37% रेवेन्यू आता है, एलईडी लाइटिंग से 29.99% रेवेन्यू आता है, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट से 10.5% आता है, रियर व्यू मिरर से 11.34% आता है, और बाकी से 11% के आसपास आता है। ओईएम से 90% रेवेन्यू इनका ओईएम से आता है। अब कुछ लोग को अगर नहीं पता है ओईएम क्या होता है, ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो आप ऑटो इंडस्ट्री को थोड़ा सा समझिए कि ये जो ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री है ना, ये लोग जो पार्ट्स बनाते हैं, दो तरह के पार्ट होते हैं। एक होता है जैसे आप अगर कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर ये सब हम लोग जो खरीदते हैं, तो कभी कोई पार्ट खराब हो जाता है तो क्या होता है, अपने अपने दुकान में जब जाएंगे तो दुकानदार पूछता है आपको ओरिजिनल चाहिए, जैसे मोबाइल का बैटरी, तो बोलेगा आपको ओरिजिनल बैटरी चाहिए या कंपैटिबल चाहिए। कंपैटिबल सस्ता होता है, ओरिजिनल महंगा होता है। तो वो जो ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ, सपोज अगर मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप, तो लेनोवो का ही ओरिजिनल बैटरी अगर मैं खरीदने जाऊंगा बाजार से तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, पर उसके अलावा कंपैटिबल बैटरी जो होता है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो ये बैटरी बनाता कौन है, तो वही बोल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, ये लोग क्या करते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए सामान बनाते हैं। जैसे टाटा अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आइशर मोटर, तो आइशर मोटर इनको ऑर्डर दिया कि भाई मेरा जो हेडलैम्प है ना वैसा आप मेरे को 5000 पीस बना दो, तो 5000 पीस ये लोग आइशर मोटर का एग्जैक्ट जो भी फॉर्मूला है या जो भी टेक्निक है वो एकदम ओरिजिनल इनको बना के सप्लाई करेंगे, पर उसके ही जैसा कंपैटिबल हेडलाइट भी बनाएंगे और उसको अपने नाम से मार्केट में बेचेंगे। एग्जैक्टली सेम नहीं बना सकते क्योंकि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यू कैन नॉट कॉपी माई डिजाइन, तो थोड़ा सा डिजाइन ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ा सा अंदर में क्वालिटी ऊपर नीचे करके उस जैसा हेडलाइट बनाएंगे। तो जब आप आइशर मोटर का गाड़ी चला रहे हो, आपको हेडलाइट को कुछ हो गया, तो आप बाजार में जाओगे तो बोलेगा आपको ओरिजिनल वाला चाहिए या कंपैटिबल चाहिए। तो ये लोग का जो बिजनेस है, तो ये लोग ओरिजिनल भी बनाते हैं और कंपैटिबल भी बनाते हैं। तो ओरिजिनल जो बिजनेस प्रोडक्ट है उससे 90.3% ऑफ द इनका बिजनेस ओरिजिनल से आता है। कंपैटिबल या रिप्लेसमेंट मार्केट, कंपैटिबल को क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, रिप्लेसमेंट मार्केट। तो रिप्लेसमेंट मार्केट से 6.34% रिवेन्यू आता है और एक्सपोर्ट से 3.36 आता है।
अगर मैं टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स में डिवाइड करूं तो मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस इनका टू व्हीलर से आता है, 96% ऑलमोस्ट, और 4% बिजनेस इनका फोर व्हीलर से आता है। तो फाइनेंशियल समरी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो दोबारा इसको रिपीट नहीं करते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं असेट का बात करूं तो 694 करोड़ का एसेट हुआ करता था, जो अभी 940 करोड़ का एसेट है। लॉन्ग टर्म लोन्स इनका 160 करोड़ से गिरते गिरते आज खाली 20 करोड़ रह गया, तो दिस इज अ वेरी गुड साइन। डेट टू इक्विटी 0.54 हुआ करता था, जो सिर्फ 0.03 हो गया, और मैं बोलूंगा कि ऑलमोस्ट कंपनी आज के डेट में डेट फ्री है। केपेक्स से शुरू शुरू में इन लोगों ने काफी केपेक्स किया, पर अब केपेक्स भी धीरे धीरे इनका सिर्फ 18 करोड़ का केपेक्स हुआ है FY22, यानी जितना एक्सपेंशन इनको करना था ऑलरेडी ये लोग कर लिए, और नया अभी कोई ऐसा एक्सपेंशन प्लान इनका नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखो तो FY22 में काफी बड़ा है। बुक वैल्यू पर शेयर 311 से बढ़ते बढ़ते आज 492 रुपया हो गया। वर्किंग कैपिटल डेज 26 दिन हुआ करता था, FY22 में ये 13 दिन रह गया। डिविडेंड पर शेयर 8 रुपया 9 रुपया दिया करते थे, इस साल 20 रुपया का डिविडेंड भी दिया है। तो कंपनी हर मामले में अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट टीम का बात करें तो जैसा मैंने बताया, जेके जैन इज द चेयरमैन एंड एमडी, इनको ये 70 साल के हैं और इनको काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। मिसेस सीमा जैन होल टाइम डायरेक्टर है, मिस आंचल जैन इज ऑल्सो होल टाइम डायरेक्टर। ग्लोबल प्रेजेंस का बात करें तो कंपनी का प्रेजेंस इटली में है, इंडिया में तो है ही, हांगकॉन्ग में है, जापान में है, सब जगह ज्वाइंट वेंचर ये लोग कर रखे हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड R&D सेंटर इन्होंने बना रखा है, तो फीएम स्टेट ऑफ आर्ट R&D सेंटर ऑफर क्लाइंट्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैपेसिटीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट हैज अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द कंपनीज इन हाउस R&D। द कंपनीज R&D सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, इक्विप्ड विद लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। फीएम इन हाउस R&D सेंटर हैज वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज लाइक प्रोडक्ट टेस्टिंग, फोटोमेट्री टेस्टिंग, एनवायरमेंटल टेस्टिंग। फोटोमेट्री लेबोरेटरी ऑफ कंपनी इज NABL एक्रेडिटेड। तो फोटोमेट्री जो लेबोरेटरी इन्होंने बनाया है, ये इनको अक्रेडिटेशन मिला हुआ है NABL से। एग्जाम्पल्स जो इन्होंने किया है, इन हाउस डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेलवे IPIS का इन्होंने इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम LED डिस्प्ले इन्होंने डिराइव मतलब अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लेबोरेटरी में बनाया है। इन हाउस डिजाइन एंड डेवलपमेंट इन्होंने फोर व्हीलर का किया है। एडवांटेज क्या मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो इन हाउस R&D ये किए, उससे इनको क्या एडवांटेज मिला। डाइवर्सिफाइड एंड लार्ज पोर्टफोलियो, आज इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है और बहुत सारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो वो क्यों है, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा R&D कर करके नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे LED पैनल जो है, इनका इनका ही रिसर्च का कमाल है कि आज LED डिस्प्ले ये लोग सप्लाई कर पा रहे हैं। न्यू जनरेशन LED टेक्नोलॉजी पे ये लोग काम कर पा रहे हैं, और जैसा मैंने बताया था कि ये पहली कंपनी है जिसने बाइक में LED लाइट्स लेके आया था। फिर रिडक्शन इन डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट सेविंग टू द क्लाइंट्स। तो डेवलपमेंट टाइम, क्योंकि अपना खुद का R&D है तो डेवलपमेंट टाइम में कम लगता है और क्लाइंट्स के लिए पैसा सेव कर पाते हैं। कंपनी का स्ट्रेंथ का बात करें तो स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, क्लाइंट आप देख सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट बेस है कंपनी के पास। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, इनके पास LED है, इनके पास कन्वेंशनल ऑटोमोटिव लाइटनिंग है, सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स है, रियर व्यू मिरर है, फिर आप देख सकते हो प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स भी है, LED डिस्प्लेज भी ये लोग बना रहे हैं। तो एवरीथिंग दे हैव, तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मैन्युफैक्चरिंग एज जो है, क्योंकि इनके पास खुद का R&D है, इसके वजह से ये लोग क्लाइंट्स के लिए पैसा काफी बचा पाते हैं। तो स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि लोकेटेड है क्लोज टू OEM कस्टमर्स, ऑफरिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सेविंग। तो जो OEM इनके कस्टमर, उनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बच जाता है, क्योंकि उनके फैक्ट्री के बगल में ही इनका भी है, तो ये लोग तुरंत बना के हाथों हाथ सप्लाई कर देते हैं। तो फीएम एस 3 वर्ल्ड क्लास R&D डिजाइन सेंटर्स, तो इसका एडवांटेज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। कहाँ कहाँ पर है, इंडिया में है, इटली में है, जापान में, 3 जगह इनका R&D सेंटर है। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में जो प्रोडक्ट्स चाहिए उस पर काफी ऑलरेडी ये लोग फोकस कर रहे हैं। टू व्हीलर EV इज बिग अपॉर्चुनिटी विच इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। फीएम हैज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड वर्किंग विद ऑल द मेजर OEMs। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी ये लोग दुनिया में बड़े बड़े जो OEM कंपनीज है उसके साथ काफी सालों से काम कर रहे हैं, और क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके मदद से ये भी इनको भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा कि ये लोग भी तुरंत EV में EV के प्रोडक्ट्स को बना के सप्लाई कर पाएंगे। तो ये एडवांटेज इनको मिलेगा।
देन कंपनी हैज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिकॉज ऑफ इन हाउस R&D डिजाइन एंड टेस्टिंग कैपेबिलिटीज, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विथ LED लाइटिंग सॉल्यूशंस, रियर व्यू मिरर एंड प्लास्टिक पार्ट्स, ये सारा बनाते हैं, तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एडवांटेज मिलता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपनी। आई विश और उम्मीद करता हूं कि आपको कंपनी के बारे में मैं जितना मेरा सीमित ज्ञान है आपको पूरा समझा पाया कि कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ कंपनी कैसे डाइवर्सिफाई कर रही है, आगे चल के क्या बड़ा अपॉर्चुनिटी कंपनी का EV में आने वाला है, खास करके जो रेलवे को सरकार मॉडर्नाइज कर रही है उसमें जितने भी LED पैनल्स होंगे काफी अच्छा इनको रिस्पॉन्स मिल सकता है, बसेस जो इलेक्ट्रिक बन रहे हैं उसमें LED पैनल्स आएंगे वहां भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लाइटिंग में तो ऑलरेडी दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन लाइटिंग, रियर व्यू मिरर्स, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स, तो आगे चल के जैसे जैसे पूरा ऑटो सेक्टर डेवलप करेगा चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल्स, धीरे धीरे इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड आगे चल के बढ़ना ही। तो इतना सब कुछ जो हम लोगों ने स्टडी किया उसके बाद अकॉर्डिंग टू मी इसका क्या वैल्यूएशन हो सकता है, बट इससे पहले कि हम वैल्यूएशन डिस्कस करें एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये मेरे तरफ से किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस कि हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके वैल्यूएशन को भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपको कंपनी अच्छी लगी और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। चलिए देखते हैं कंपनी का, अगर मैं पिछले साल का बात करूं तो 1572 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया। अब अगर मैं बुल फेज का बात करूं, अगर उम्मीद करूं कि सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा नेक्स्ट 1 ईयर, तो कंपनी में 15% का टॉप लाइन ग्रोथ आराम से आ जाएगा, 1800 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर सकती है, और इबिटा मार्जिन इनका अगर 13% रहा तो इसका वैल्यूएशन 1834 रुपया तक ऊपर जा सकता है अगर सब कुछ बहुत अच्छा चला, और करंट प्राइस इनका कितना है ऑलमोस्ट 1600 रुपया, 1580 रुपया करंट प्राइस। अगर मैं नॉर्मल फेस का बात करूं फेयर वैल्यू का, तो मुझे लगता है कि 11% का टॉप लाइन ग्रोथ आराम से आ जाना चाहिए विथ 11.5% एबिटा मार्जिन, इनका जो रिजनेबल फेयर वैल्यू निकल के आता है वो करीब करीब आता है 1230 1250 रुपए के आसपास इसका रिजनेबल वैल्यूएशन आता है, ठीक है, जबकि करंटली ऑलरेडी इससे काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल जो कंपनी का वैल्यूएशन लग रहा है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें, अगर आपको मन है इसमें एंट्री लेने का, तो आपको थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना चाहिए, 1220 नहीं भी तो एटलीस्ट 1450 1350 के आसपास इसमें एंट्री लेना बन सकता है, तब थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा, अभी थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड दिखता है। और अगर बियर फेज आ जाता है, जैसा कि बात हो रहा है रिसेशन आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा और दोबारा से ऑटो सेक्टर में अगर स्लो डाउन आ जाता है, तो फिर 9% का ग्रोथ आई एम एक्सपेक्टिंग विथ 11% इबिटा मार्जिन, और अगर ऐसा होता है तो इसका शेयर प्राइस गिर के 950 रुपया तक नीचे आ सकता है, बट ऐसा एकदम एक्सट्रीम केस में, एक्सट्रीम केस से मेरा मतलब होता है अगर बुरा से बुरा सिचुएशन भी हो गया तो ज्यादा से ज्यादा इसका स्टॉक प्राइस अगर गिर सकता है तो मुझे लगता है 930 935 रुपया तक मैक्सिमम नीचे गिर सकता है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और फेयर वैल्यू इसका क्या निकल के आता है 1250 से 1300 रुपए के आसपास फेयर वैल्यू निकल के आता है, तो यहाँ पर अगर उस रेंज में मिले तो आप थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और ऊपर अगर सब कुछ बहुत अच्छा चला तो 1830 1850 रुपए के रेंज में स्टॉक प्राइस जा सकता है एवरीथिंग इज फाइन। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमें लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके लिख के बताइए कि आप और किस कंपनी पे एनालिसिस देखना चाहेंगे, आपको ये एनालिसिस पसंद आया कि नहीं, आप क्या चाहते हैं इसमें और क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं हम, अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट हम लोगों ने मिस कर दिया है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं ताकि आपके नॉलेज से भी बाकी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कुछ फायदा मिले, और अगर आप नए आए हमारे चैनल में तो जैसा मैंने पहले भी बोला आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियोस आपको मिलते रहे, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट सीरियसली करना चाहते हैं, तो वो लोग को भी मदद करिए कि वो भी इस तरह से नॉलेजेबल कंटेंट देखें, उनके साथ वीडियो शेयर करिए ताकि वो अपना नॉलेज के बेसिस पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाए। आप अगर अगर हमारे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो ये हमारा ईमेल आईडी है, आप इसमें कमेंट करके या इसमें मेल करके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई